Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. ये है ईद का तीसरा दिन और मैं कब से ही व्लॉग अपलोड करना चाह रही थी लेकिन नहीं थी कर पा रही, तो सोचा अभी करती हूँ। तो ये जो कुछ परफ्यूम्स थे मैंने बाय किए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को उसको भी दिखाऊं। ये अल रिहाब के परफ्यूम्स हैं, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें, बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं और इनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और बेटे ये बाय किए थे ईद से पहले और मैंने कहा चलो इनको भी मैं आज के व्लॉग में ऐड करती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि इतनी प्यारी क्यूट क्यूट सी बॉटल्स हैं और साथ ही खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। मैं कब से ही व्लॉग जो है वो अपलोड करना चाह रही थी लेकिन बताइए ईद और फिर ईद के बाद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करने वाली होती हैं, तो बस उसी में बिज़ी थी और नहीं कर पाई, तो सोचा कि चलो आज करती हूँ। और पिछली एक वीडियो भी मेरी पेंडिंग थी, एक स्नैक वीडियो जो कि मैंने इफ्तारी के लिए बनाई थी, तो अब तो उसको बहुत दिन हो गया लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर ये आप लोग जब भी आपके घर मेहमान वगैरह आए तो आप उनको बना के दिखा सकते हैं। और बहुत मज़े की रेसिपी है ये रेसिपी जो है वो आटे से बनती है, आप लोग बना के ज़रूर अपने घर वालों को खिलाइएगा। वैसे मैंने ये इतनी मुझे पसंद आई थी कि बाद में मैंने ईद पे भी बनाई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी बना सकें। यहाँ मैंने एक रोटी का पेड़ा ले लिया और रोटी का पेड़ा लेने के बाद जो है मैं उसको गोल गोल कर लूँगी और जिस तरह रोटी आम बनाते हैं उस तरह इसको पतली सी रोटी मैक्स जितनी आप पतली कर सकते हैं उतना आप इसको पतला कर लें और उसके बाद इसको सर्कल्स काट लें इसमें से, जैसे गोलगप्पों के लिए काटते हैं, लेकिन साइज़ गोलगप्पों वाला नहीं रखना क्योंकि फिर तो गोलगप्पों और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है आपने, कोई भी आप बड़ा कटर या बड़ा ग्लास ले लें जिससे आप इसको सर्कल्स बना सकें। ये मैंने इधर एक बनाया था, मुझे लगा था कि ये छोटा है तो इस वजह से जो है मैंने फिर एक बड़ा सर्कल काट लिया एक और ग्लास से। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा, इसको काटें और उसके बाद इसको बहुत पतला सा रखना है आपने, चाहे तो आप इसको दोबारा शेप देने के बाद दोबारा बेल लें और जिससे ये है जो और पतला हो जाएगा। तो हर लाजमी इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएंगी। अब बस मैं इसको गर्म ऑयल में फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको ऊपर ऑयल फेंकती जाऊँगी ताकि ये थोड़ा बहुत फूल जाए। तो बस जी हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई और हम लोग जो है घूमते फिरते रहे। ज़ाहिर है बाहर की ईद तो फिर ऐसी ही होती है क्योंकि किसी ने आना जाना नहीं होता और ना हमने कहीं जाना होता है, इसी तरह घर के कामों में और खाना बनाने में और बाहर एक दो चक्कर लगाने में ही हमारी ईद जो है वो गुजर गई। तो ईद के जो ये जो तीसरा दिन था इसमें हम लोग जो थे, मैंने आपको शायद बताया था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, मैं भी और सफ़ा भी। अपना बीमारी का तो चलो कुछ नहीं होता, दवाई खा के ठीक हो जाता है बंदा, लेकिन बच्चे बीमार हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो सफ़ा ने हमें बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ईद की कोई पिक्चर्स भी नहीं बना सकी थर्ड और सेकेंड डे की। तो मैंने बस जो है एवं साफ से उसको कपड़े पहनाए और बस उसको बिठा दिया, जिस पे उसने एक दो बार वॉमिट भी कर दी थी। तो बस जी ये हमारी थी ईद। तो ये यहाँ का एक ड्रिंक है राइसी, नीचे मैंगो शेक होता है, ऊपर टी बिस्किट्स होते हैं और उसके ऊपर फ्रूट्स और नट्स होते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतने मज़े की ये ड्रिंक होती है, किसी टाइम मैं घर में बना के ट्राई करूँगी आप लोगों को इसको टेस्ट करवाने की। तो बस यहाँ हमारी हो गई है पापड़ी तैयार और ये हमने आप मतलब मैंने आटे की बनाई है तो बहुत मज़े की होंगी और जो लोग डाइट करते हैं उनको मैदा भी नहीं खाना पड़ेगा एक्सेप्ट कि ये डीप फ्राई हुई हुई हैं। तो बस इसके अंदर मैंने लोबिया आलू और प्याज टमाटर डाले, उसके ऊपर से मैंने इस पर मीठी चटनी डाली और सॉरी मीठी चटनी मेरे पास थी नहीं तो मैंने केचप डाली थी, तो साथ में मैंने इसमें पुदीने की चटनी ऐड की और हमारे मज़ेदार से पापड़ी जो है वो तैयार हो गई। बल्कि मैंने थोड़ी बनाई थी तो मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने थोड़ी क्यों बनाई है, ज़्यादा बनानी चाहिए थी तुम्हें। तो आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और बस जब ये मैं इसकी पूरी मतलब इसके अंदर फिलिंग कर लूँगी उसके ऊपर से मैं इस पर नीमको डाल लूँगी, यानी जिसको लोग सेव पूरी भी कहते हैं,
वो डाल लूँगी और उसके बाद उसके ऊपर से मैं चाट मसाला छिड़क लूँगी और हमारी मज़ेदार सी जो है ये वाली चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कोई व्लॉग अपलोड किए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास जो पड़ा है मैं वो तो अपलोड करूँ, बाकी जो है मैं बाद में करूँगी। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग जो है वो मैंने जल्दी से बना लिया और इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। रमज़ान के बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है किचन में और कैबिनेट्स भी उथल पुथल हो जाती हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं डीप क्लीनिंग की रखूँगी और बस मेरा किचन तो बहुत ही बुरे हालात में आजकल, तो इंशाल्लाह जब मैं किचन को डीप क्लीन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि किचन मैंने कैसे डीप क्लीन किया और मैं कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। तो बस जी यहाँ हो गई थी शाम और शाम को हमने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं और बाहर निकले तो यहाँ ये थी ये राइड्स होती हैं, यहाँ डिज़र्ट की राइड्स होती हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ज़रूर लो, तो बस मैं बुर्का एवेंजर्स बनी हुई हूँ और मैं चला रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।